एप्पल ने बहुत ही बोल्ड मूव लिया था जिसने पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को आज तक हिला के रखा है। पता है वो क्या था? वो था आईफोन 10 को निकाला। हालांकि आईफोन 10 में 50 चीजें थी जिसके बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसने सबको इम्पैक्ट किया था, वो थी उसकी प्राइसिंग। क्योंकि आईफोन 10 2017 में पहला ऐसा आईफोन बना था जिसकी कीमत 1 लाख रुपए टच करी थी। इवन पहला कंज्यूमर ग्रेड मोबाइल फोन हार्डवेयर था वो, जिसके अंदर मोबाइल फोन उस जमाने में महंगे होते थे, 60-70 हज़ार तक की कीमतें आती थी। लेकिन किसी भी कंपनी की हिम्मत नहीं हुई थी कि अपने मेन स्ट्रीम, अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट को 1 लाख पे टच कर दे, क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट और इस टाइप की चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन एक कंज्यूमर हार्डवेयर जिसे आप अपने जेब में डाल के रोजाना कैरी करोगे और मासेस के लिए अवेलेबल हो, वो 1 लाख का तो कभी लॉन्च नहीं हुआ था। खैर वो एक ज़माना था जब 1 लाख रुपये में आईफोन आया था। आज के जमाने में बात की जाए तो शॉमी जैसी कंपनी भी 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन निकालती है, वीवो ने 1.5 लाख का मोबाइल फोन निकाला, वन प्लस का भी 1.3 लाख का वन प्लस ओपन आता है। ऐसे ही बात करें तो सैमसंग के भी फोन से यहाँ पे 1 लाख के ऊपर आ रहे हैं, और तो और टेक्नो जैसी कंपनी भी अपना 1 लाख का प्रोडक्ट भी निकाल देती है। खैर चीजें मार्केट में चल रही है यहाँ पे, लेकिन सवाल आता है कि मोबाइल फोन की कीमत एकदम से इतनी ज्यादा कैसे होने लगी कि जहाँ पे पहले लोग सोचते थे कि 10,000-15,000 में मिल जाए चीजें, आज के समय में ऐसा है कि आपको यार 5,000 में भी प्रोडक्ट मिलेगा, 1 लाख में मिलेगा। और सिर्फ बात मोबाइल फोन की नहीं है, आप लैपटॉप इंडस्ट्री को देख लीजिए। लैपटॉप भी बहुत तेजी से पॉपुलर हुए। जहां एक जमाने में 50,000 रुपए में गेमिंग लैपटॉप लिया जा सकता था, आज उसके लिए 60-70-80 हज़ार तक स्पेंड कर रहे हैं, इवन 1 लाख रुपए तक लोग स्पेंड करने को तैयार है। यहाँ तक कि जहाँ एक जमाने में 25-30 हज़ार रुपए में आपको एक अच्छा लैपटॉप मिल सकता था, अब वही चीज 30-40 हज़ार खिसक चुकी है। यहाँ तक की बात करें स्मार्ट टीवी की, तो जहाँ टीवी मार्केट पहले 10,000 रुपए के आसपास से शुरू हो जाता था, अभी भी बजट वाला तो है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट अगर एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग टीवी चाहिए तो उसके लिए कम से कम 30-40 हज़ार रुपए निकालने पड़ेंगे। यानी कि हर एक चीज के अंदर एक अपवर्ड शिफ्ट आया, और एक ऐसा शिफ्ट आया जिस कारण से टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स होते, अगर आप कोई भी टेक प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हो, तो उनकी कीमतें यहाँ पे ज्यादा ही हुई है। अब इसके पीछे के यार रीजंस अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत सारे हैं। एक तो सिंपल सा है कि जो कॉमन सेंस बोलता है यार, इन्फ्लेशन मैम की तो चीज होती है, चीजों के दाम भी तो महंगे होते हैं। एक साल पहले लैपटॉप मोबाइल फोन कितने सस्ते पड़ते थे बनाना, इसलिए, और आज के समय में कंपनी को भी महंगा पड़ रहा है तो वो बेच रहे हैं। बात बिल्कुल फेयर है आपकी कि यहाँ पे इस टाइप की चीजें हो सकती है, इन्फ्लेशन एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उससे प्राइसेस के अंदर इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मतलब उस जमाने में 15,000 रुपए के फोन में सारी चीज आ जाती थी, आज हमें देख के लगता है कि 30,000 रुपए के अंदर भी कई बार कुछ देखने को नहीं मिलता, और ऐसे काफी सारे फोन से, और लैपटॉप्स के साथ भी सेम चीज है यहाँ पे। इसके साथ ही एक समझ में आती है कि बात, हाँ यार ग्लोबली बात की जाए तो हाँ यार पार्ट्स की कीमत इंक्रीज हुई है। यहाँ पे R&D पे इन्वेस्टमेंट होता है, मार्केटिंग कंपनीज करती हैं, प्रमोशंस करती हैं, और भी काफी सारी चीजें करते हैं, और उसके अलावा टैक्सेस वगैरह भी लगते, जिस कारण से कीमतों में इंक्रीमेंट होना तो एक नॉर्मल सी चीज लगती है। हालांकि नॉर्मल सी चीज है, लेकिन सवाल यह कि जो नॉर्मल सी चीज, जो नॉर्मल प्राइस हाइक होना चाहिए ना, वो हाथ से बाहर जा रहा है। और आज के समय में बताऊँ कंपनीज का क्या प्लान है कि यहाँ पे अपने मोबाइल फोन को ज्यादा से ज्यादा कीमत पे पैसे प्लेस किया जाए, और ये कैसे देखा जाए लोग उसके लिए इतना प्राइस देने को तैयार है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जब तक हम लोग, यानी कि एज अ कंज्यूमर, हम लोग जब तक मोबाइल फोन के लिए महंगा पैसा देते रहेंगे, तब तक जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड या टैग ब्रांड है, ये इसके लिए महंगा पैसा चार्ज करते रहेंगे। यही एक सिंपल सी चीज है, और कंपनियां यही एक चेक करती है। एप्पल ने 1 लाख रुपए का आईफोन निकाल के ये चेक किया कि कितने लोग होंगे कि 1 लाख रुपए का आईफोन लेंगे। एप्पल के लिए रिस्क मूव था, लेकिन लोगों ने उसे लिया। इस उम्मीद में फिर एप्पल ने अपने फोन के प्राइसेस और बढ़ा दिए। आज के समय में 1.5 लाख रुपए का आईफोन 15 प्रो मैक्स आता है। सेम चीज बाकी कंपनी भी ट्राई कर रही है, टॉप एंड में कूद रही है। वो जानती है कि अभी तो चलो नहीं लेंगे फोन्स, लेकिन धीरे धीरे एक जमाना ऐसा आएगा कि जब लोग फैमिलियर हो जाएंगे और जब पूरा मार्केट में सिर्फ महंगे फोन मिलेंगे, तब शायद हमारा फोन भी लोग ले ले। जब तक लोग महंगे फोन को खरीदते रहेंगे, तब तक कंपनीज अपने फोन की कीमतें ज्यादा बढ़ाती रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आज के समय में। सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज नहीं है कि लोग कंज्यूमर्स जो है वो ज्यादा पैसा देने को तैयार हो गए, इसके पीछे का रीजन है कि ह्यूमन साइकोलॉजी भी बहुत ज्यादा चेंज हुई है। आज के समय में जो स्मार्टफोन बायर है वो पहले से ज्यादा एस्पिरेशनल हो गया, जिसके अंदर उसकी एस्पिरेशन ज्यादा है, और वो ज्यादा से ज्यादा महंगे और एक्सपेंसिव और लग्जरी प्रोडक्ट्स को ओन करना चाहता है, जिसकी मदद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, EMI स्कीम, फाइनेंस ऑप्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा करते हैं। अब मैं अक्सर कहता रहता हूँ यार, EMI एक ट्रैप है, क्योंकि EMI के चक्कर में लोग वो प्रोडक्ट ले लेते हैं जिनकी सच में उन्हें जरूरत नहीं है, और अपनी जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देते हैं। अगर आपको वाकई में किसी चीज की जरूरत है
और अगर आपके पास उसको लेने के पैसे नहीं है तब उस केस के अंदर ईएमआई एक अच्छा ऑप्शन है। अब उस केस के अंदर आपको सारा पैसा अपफ्रंट नहीं देना, टुकड़ों टुकड़ों में दे सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से, और आपकी जो जरूरत है मोबाइल फोन या कोई भी वो पूरी हो सकती है। चलो वहां बात मैं मानता हूँ कि वहां पर ईएमआई एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, लेकिन अगर आपका काम अगर 20,000-30,000 रुपए के फोन से चल सकता है, अगर आप ईएमआई वगैरह का यूज करके 60,000-70,000-80,000 1,00,000 रुपए का मोबाइल फोन ले रहे हो जबकि आपकी सैलरी खुद 20,000-30,000 है, अगर आप ज्यादा कमा नहीं रहे हो, तो वो एक फाइनेंशियल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है यहाँ पे, जो मैं कहूंगा नहीं, एडवाइस नहीं कहूंगा लोगों को, लेकिन ईएमआई एक ट्रैप की तरीके से यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ये एक एडवाइस रहेगी लोगों से। लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि ईएमआई जैसा ट्रैप, नो कॉस्ट ईएमआई, ऑफर्स, डील्स, डिस्काउंट वगैरह दिखा दिखा के महंगे फोन की कीमत को दिखाया जाता है कि इफेक्टिव प्राइस कम हो गया इसका और उसको बेचने की कोशिश की जाती है। यानी कि यहाँ पे कंपनियां सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स या महंगे मोबाइल फोन्स ही नहीं बना रही, उनको बेचने के लिए नए नए तरीके भी ढूंढ रही है। इसके साथ ही फेस्टिव सीजन वगैरह पे इस चीज को बहुत हैविली प्रमोट किया जाता है और यहाँ पे लोगों से उनकी जरूरत से ज्यादा स्पेंड करवाया जाता है। स्पेशली जो फेस्टिव सीजन आते हैं, बिग मिलियन डे सेल आती है, तब सेल ऑफर वगैरह में यही सारी चीजें होती है। इसके साथ ही बात करें तो आपको सच बात बता देना चाहूंगा कि अगर आप मोबाइल फोन्स की बात करें तो आज के समय में अगर आप 25-30,000 रुपए का मोबाइल फोन चलाना चाहे तो आपके बेसिक काम कर देगा, और ज्यादा से ज्यादा अंडर 40,000 में आज के समय में ऐसे मोबाइल फोन्स मौजूद हैं जो लगभग आपके सारे काम वैसे ही करेंगे जैसे आपका 1,00,000 रुपए का मोबाइल फोन यहाँ पे करेगा। जो लॉन्जेटिविटी रहती है प्रोडक्ट्स की वो यहाँ पे काफी तेजी से अफेक्ट हुई है। देखो मोबाइल फोन्स में तो क्या है कि लोग पहले सब उसे ज्यादा यूज कर रहे हैं और लंबा उसे चला रहे हैं, लेकिन रिफ्रेश साइकिल जो रहता है ना बाकी टेक प्रोडक्ट्स को उसमें भी इंक्रीमेंट आया। जहाँ पे पहले लगता था ना टीवी अगर हम खरीदते थे तो 10-15 साल चलाते थे टीवी को, आज के समय में क्या हो गया है 4-5 साल बाद टीवी आउटडेटेड हो जाता है। लैपटॉप के साथ भी ये चीज चल रही है कि आप लैपटॉप को यूज करते रहेंगे, कुछ समय के बाद वो स्लो हो जाएगा, परफॉर्मेंस डिग्रेड करेगी और मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, फिर आप उसे जाके लेंगे और उसके लिए आप ज्यादा कीमत पे करेंगे। ये भी एक चीज यहाँ पे मार्केट के अंदर चल रही है। खैर ये सारा जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसका अभी कोई एंड पॉइंट नजर नहीं आ रहा, और मेरे को लग रहा है कि कंपनी अभी यही है कि धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि कैसे हम कीमतें और ज्यादा बढ़ाते जाए, और एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे कंपनी को कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि एक लिमिट तक ही प्राइस हाइक हो सकता है, चाहे मोबाइल फोन की बात करें किसी और प्रोडक्ट की बात करें। एक पॉइंट पर शायद लोग भी इस चीज को अवॉइड करें, लेकिन अब यही है यार कि नेसेसिटी वाली चीज जब लग्जरी बन जाती है ना फिर वहां पे प्राइस वाला जो खेल होता है वो वहां पे काम नहीं करता। खैर देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन आप लोग बताइए कि आप लोग क्या एग्री करते हो इस बात से कि महंगे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, कि महंगे प्रोडक्ट्स वाकई में सबसे अच्छे रहते हैं या फिर सच में वैल्यू फॉर मनी वाली चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपका जो अपने ओपिनियन है ये बात नीचे कमेंट बटन ना भूलना। थैंक यू आप बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।